फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 में। जैसा कि आप जानते हैं, जो इंडिया वुमेन, ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के ट्राई सीरीज चल रही है इंडिया में, उसका तीसरा T20 मैच मुंबई में खेला जाना है इंडिया वुमेन और इंग्लैंड के वुमेन के बीच में। पहले के मैचेस की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, और सेकेंड T20 मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जिसमें इंग्लैंड ने अच्छा विन किया था। तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड चेंज करेगा, दो प्लेयर इनके इंजर्ड थे इसलिए पहले मैच में नहीं खेल सकते। अब वो अगर रिकवर करते हैं तो वो खेलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कौन से दो प्लेयर हैं, और बात करेंगे हम इंडिया के प्लेइंग इलेवन की। इंडिया के जो प्लेइंग इलेवन, बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ इंडिया ने पहला मैच खेला था, जरूर हार गया था, लेकिन इंडिया एक चेंज कर सकता है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ड्रीम टीम। आइए पहले बात करते हैं दोनों की प्लेइंग इलेवन की। ये मैच मुंबई में खेला जाना है। मुंबई का एवरेज हाई स्कोर रहता है 159 का, और एवरेज लो स्कोर यहाँ पे रहता है 161 का, और बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, वापस आपको एक बार बता देता हूँ। और इंग्लैंड वुमेन के प्लेइंग इलेवन की बात करें तो देख, स्मिथ को पिछले मैच में मौका दिया गया था क्योंकि जोन्स जो है विकेट कीपर हैं और विकेट कीपिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, तो ये इंजर्ड हैं इसलिए इनको नहीं खिलाया गया था। अगर ये इंजरी से रिकवर करते हैं तो जोन्स खेलेंगे 100%, अगर ये इंजरी से रिकवर नहीं करते हैं तो स्मिथ ही खेलेंगे क्योंकि स्मिथ का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं। डेनियल, टेमी, क्लाइवर, नाइट जो कैप्टन है टीम के, विल्सन, रिचर्ड्स, जेमी गन, डेनियल हेजल, सोफी, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नाइट कैप्टन है टीम के, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ध्यान से सुना पूरी बात को, कि जॉर्ज की जगह सोर ब्ले को मौका दिया जा सकता है क्योंकि इनको पिछले मैच में इसलिए नहीं खिलाया गया था क्योंकि इंजर्ड थे। तो 60% इनके चांस है खेलने के इस मैच में। आप ग्रैंड लीग में इनको जरूर लेना, अगर खेला और अच्छा बॉलर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके पॉइंट दिला सकता है। अपने रिस्क पे लेना, मेरे रिस्क पे मत लेना। आप लेना लो तो अपने रिस्क पे लेना क्योंकि 60% ही मैं कहूँगा खेल सकते हैं। इंडिया के प्लेइंग इलेवन की बात करूँ तो मिताली राज, स्मृति मंदाना, रोड्रिगज, हरमाप्रीत कौर, वेदा कृष्णामूर्ति, पाटिल, शिखा पांडे, तानिया भाटिया, गोस्वामी, पूनम यादव, और देखिए ये एक चेंज हो सकता है कि रुमेली धार की जगह या तो पूजा को मौका दिया जाएगा या दिया जाएगा दीप्ति शर्मा को, इन तीनों में से कोई एक खेलेगा, ये एक चेंज हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी प्लेइंग इलेवन सेम ही रहनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक अच्छी टीम है और अपने बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ ही खेलना चाहेगा। बाकी आपको पता है कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, अगर कोई भी न्यूज़ आई तो मैं अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मैच स्टार्ट होने से पहले पूछ एक बार चेक कर लेना, और अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो वो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं जो फाइनल बात की, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आगा आपका, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस न्यूज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ग्रुप बनाया IPL का, अगर आपको ज्वाइन होना है ग्रुप में, पेड ग्रुप है, वापस बोल देता हूँ, फ्री नहीं है, पेड ग्रुप है, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल दीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा और जो डिटेल है वो सारी समझा दूंगा। आइए बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की जो मैंने आपके लिए बना रखी है। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो न्यूजीलैंड वुमेन की और वेस्ट इंडीज़ वुमेन की भी टीम बनाऊँगा तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आइए बात करते हैं जो मैंने आपके लिए टीम बना रखी है। बात करते हैं पहले विकेट कीपर सेक्शन की, आपके पास विकेट कीपर सेक्शन के लिए दो ऑप्शन है, वैसे तीन ऑप्शन है, टेमी और एमी जोन्स। एमी जोन्स का बता दो विकेट कीपर ही है, और अगर फिट हुई तो वो ये मैच खेलेगी तो आपके लिए ग्रैंड लीग में एक अच्छी पिक साबित हो सकती है। देखिए कितने परसेंट लोगों ने लिया इनको, इनको सिर्फ अब तक 2% लोगों ने ले रखा है, तो ये खेल सकती हैं अगर फिट हुई तो ही खेलेंगी। अगर आप सेफ जाना चाहती हो तो टेमी के साथ जा सकते हो। और ऑप्शन की बात को तो बैट्समैन सेक्शन में मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, मिताली राज, स्मृति मंदाना, डेनियल और रोड्रिगस को। ऑप्शन की बात करूँ तो नाइट एकदम सही ऑप्शन है क्योंकि कैप्टन है, विल्सन आपको खेलते हुए नजर आ जाएगी, वेदा कृष्णामूर्ति आपको खेलते नजर आ जाएगी, स्मिथ का 50-50% कहूँगा, आप लेना तो आप रिस्क पर लेना, और मैं को मौका नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, मैंने तीन ऑलराउंडर को पिक किया है, क्लाइवर, जेमी गन और अनुजा पाटिल। ऑप्शन की बात करूँ तो हरमाप्रीत कौर एकदम सही ऑप्शन है, दीप्ति शर्मा को मौका दिया जा सकता है क्योंकि पहला इंडिया मैच हार चुका है, तो डाउटफुल ही रहता है, तो आप लेना तो अपने रिस्क पे लेना, फिर मुझे और बोलना कोई प्लेयर मिस हो गया तो। मैंने जो टीम बनाई है मैं चाहता हूँ कि आपको सेफ टीम दूँ, अगर फिर भी एक दो चेंज हो गया क्योंकि इंडिया हार चुका है पहला मैच,
तो फिर आपका एक दो खिलाड़ी मिस हो सकता है, लेकिन 90 से 95% आपका खिलाड़ी मिस नहीं होगा मेरी टीम से, और रिचर्ड्स खेलते आपको नजर आ जाएगी। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो मैंने 3 बॉलर को पिक किया है, गोस्वामी को, जबरदस्त बॉलर है पूनम यादव, और सोफी को मैंने पिक किया है। ऑप्शन की बात करूँ तो अनाया को मौका मेरे हिसाब से नहीं दिया जाएगा, हेजल आपको खेलती नजर आ जाएगी, एलेक्स को मौका नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से, क्रॉस आपको खेलती हुई नजर आ जाएगी, जॉर्ज का 50-50 कहूँगा, राजेश्वरी को मौका नहीं दिया जाएगा, रुमाली धार वही 50-50 में कहूँगा, आप लेना तो अपने रिस्क पे लेना इनको, सिका पांडे आपको खेलती हुई नजर आ सकती है, पूजा को भी मौका दिया जा सकता है, इनका भी 50-50 में कहूँगा, राधा यादव मेरे हिसाब से नहीं खेलेगी, और फ्रेंड को भी इसमें मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि पिछले इंग्लैंड जीत चुका है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, मैंने कैप्टन रखा है क्लाइवर को जो जबरदस्त फॉर्म में, और वाइस कैप्टन रखा है स्मृति मंदाना को। आइए बात करते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की, ये मेरे टीम का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है, इसी टीम के साथ मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो मिताली राज को पता है कितनी बड़ी प्लेयर है, जेमी गन को रख सकते हो, पाटिल को रख सकते हो, वाइट को रख सकते हो आप, गोस्वामी को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक है, और पूनम यादव भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक है। बाकी आप एक साथ टीम में बनाओ तो अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज किया करो। वापस बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मेरा वीडियो सिर्फ न्यूज़ और प्रेडिक्शन के लिए ही देखा करो, टीम अपने हिसाब से आप बनाए करो ताकि आपको भी नॉलेज हो और आप अच्छा विन कर सको। बस अगर आपको कोई न्यूज़ मुझे पूछनी हो तो पूछ सकते हो। और वापस बोल रहा हूँ कि मैंने जो IPL का ग्रुप बना रखा है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो कमेंट में अपने नंबर, और लिमिटेड एंट्रीज है तो मैं बाद में किसी को एंटर नहीं करूँगा, सिर्फ IPL का, और IPL से जितने भी पहले मैच होंगे उन सब के भी वीडियोस आप तक उस ग्रुप में डालूंगा और न्यूज़ डालूंगा, और 6 टीमें आपको हर मैच की दूंगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, अगर एक बार एंट्रीज फुल हो गई तो फिर मैं आपके कहने पर भी ग्रुप नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं लिमिटेड एंट्रीज ही रखना चाहता हूँ अपने ग्रुप में ताकि सबको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल सके। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है भाई, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने देखा कि मेरा वीडियो 40% लोग सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं और 60% लोग अनसब्सक्राइब वाले देख रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप भी सब्सक्राइब कर दो, फ्री है भाई, कोई पैसा तो लगता है नहीं, तो आप याद से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और भाई यही मैं आपको बोलूँगा कि ड्रीम 11 को आप टाइम पास के लिए खेलो, जो अपना काम हो पहले किया करो, और अगर आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हो तो प्रेडिक्शन ड्रीम 11 के नाम से बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों लाइक करना मत भूलना, थोड़ी मेहनत की है इसलिए, बाकी आपकी मर्जी, मिलती है अगले वीडियो में बहुत जल्द, धन्यवाद दोस्तों।